Start in the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to 9th English class. Hope so, aap sab khairiyat se honge. बच्चों आज हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं. ठीक है, आपको फिर आप रजिस्टर ले सकते हैं या एक बंच बना लें पेपर्स का. ठीक है, और उस पर आपने साथ साथ मेंशन करना है. ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वो आप साथ साथ मेंशन करेंगे और अपने पास नोट्स बनाएंगे. ठीक है, और वो फिर नोट्स आपने सेंड करने होंगे हमें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, कि बेसिकली जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये पूरी बेस ही पार्ट ऑफ स्पीच पे कर रही है. ठीक है, जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कुछ बुक्स में आपके पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, कुछ बुक्स में आपके पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. तो आपने कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनमें आर्टिकल मेंशन नहीं होता. ठीक है, और कभी कभार उसमें जो है वो वर्ब मिसिंग होता है या कोई एक उसमें मिसिंग होता है, लेकिन टोटल हमारे पास ये 9 होते हैं. देयर आर 9 इन नंबर्स. ठीक है, तो आप इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स एंड द वर्ड एंड द वर्क दे डू आर द फंक्शन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस. दैट मींस वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ पार्ट ऑफ स्पीच आर वर्ड क्लास अनलेस वी सी व्हाट इट्स फंक्शन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, यानी कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में जो भी आपका जो है जो भी सेंटेंस होता है, डेफिनेटली सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ प्रॉपर मीनिंग. ठीक है, जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है तो वो हमारे पास सेंटेंस होते हैं. सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कोई ना कोई फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग लिस्ट शोज द 9 पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड द आर्टिकल. वी विल लुक एट ईच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच एंड मेंशन इट्स फंक्शन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ ईच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट करते हैं. A noun is a part of speech that names a person, place, thing, idea, action, or quality. There are several different types of nouns as follow. Common noun होते हैं, proper noun है, concrete noun, abstract noun, collective noun, countable noun, and uncountable noun. ठीक है, यहाँ पे आपके पास count nouns and mass nouns. More information. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो basically काइंड्स दी हुई है. ठीक है, ये काइंड्स आप ने अपनी नोटबुक पे, ठीक है, या कोई भी जिस पेपर पे आप नोट्स बना लें उस पर मेंशन करनी है. ठीक है, और इस पर सर्च करना है. ठीक है, और फिर बताना है. जैसे देखिए, ये सिंपल है. ठीक है, कॉमन नाउन आप किसे कहते हैं, यानी किसी भी कॉमन नेम, ठीक है, ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग. ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर किसी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग. ठीक है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, अकाउंट, ये सारे जो है नाउन्स ऑलरेडी आपने किए हुए हैं. ठीक है, तो इसकी आपने असाइनमेंट बना लेनी है और इस पर सर्च करनी है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ब. वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट, और फीलिंग. सिंपली वर्ब इज एन एक्शन. ठीक है, वर्ब कौन से होते हैं, वर्ब हम उन खूब सारे वर्ड्स जो है वो वर्ब में आ जाएंगे जिनसे कोई एक्शन शो हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू ईट, टू प्ले, टू एंजॉय. ठीक है, इसके अलावा टू ड्रिंक, टू कम. ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, वर्ब्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन दी गई है जी. इसमें देखिए काइंड्स हैं डिफरेंट हमारे पास. ट्रांसिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू पास ओवर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. वी रोट अ टेस्ट, टेस्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रोट. ठीक है, सिंपली आपने नोट डाउन करना है कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन से वर्ब होंगे दैट हैज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब टेक एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ लेटर. ठीक है, या अब देखिए, राइट अ लेटर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें लेटर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो राइट हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे रोट अ टेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब, जो भी वर्ब दिए हुए हैं वो कोई ना कोई आगे ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है. ये हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, इन ट्रांसिटिव वर्ब है. इन ट्रांसिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू पास ओवर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ही प्लेड, ही स्लेप्ट, द लेडी लॉफ. ठीक है, यानी अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब में वो वर्ब आएंगे, ठीक है, जिनके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, लेकिन इन ट्रांसिटिव वर्ब में वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिनके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है, वो सिंपली हमारे पास सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब होगा.
तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह से रेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है, रेगुलर वर्ब इनरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब आर वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स बाय एडिंग बी आर ए डी, यानी जो वर्ब की फॉर्म्स हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उन वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं? एक प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो हमें उस में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है उस वर्ड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैरी है, ठीक है, उसको जब हम पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो सी ए डबल आर आई ई डी हमने लगाया है, ठीक है, कैरी। फिर उसके पास्ट पार्टिसिपल में भी कैरी थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस तरह से फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म वर्क एंड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपके पास वो सारे वर्ब्स, ठीक है, जिनको आप थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनके साथ डी या ई डी लगाएंगे, ठीक है, या जो है वो कुछ केसेस में आप टी लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे? रेगुलर वर्ब होंगे, ठीक है। इसी तरह से इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनको आप ट्रांसफॉर्म जब आप करते हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट से पास्ट बनाते हैं या उनकी फॉर्म्स आप स्टिमुलेट करते हैं, तो उसमें आपको ई डी या डी नहीं लगाना पड़ता, बल्कि उनकी फॉर्मिंग की डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अवेक, ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म क्या है? अवोक, ठीक है, अवेक, अवोक, अवोकन, ठीक है। इसी तरह से गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, रिटर्न। अब इसमें देखिए कहीं भी हमने ई डी या डी मेंशन नहीं किया, तो ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है जिनको आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए डी या ई डी का जो मेथड है वो आप अप्लाई नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टू बी फॉर्म है, यानी ये हमारे पास पर्सन और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इज एम आर वाज वर, ठीक है, विल शैल, तो ये आपके जब टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपके ये टू बी फॉर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। और लग्जरी और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब आपके होते हैं उन्हें हम लग्जरी वर्ब्स कहते हैं। There are two groups, primary luxuries and modal luxuries. Primary luxuries में क्या होता है? The primary luxuries are be, have and do. For example, I am eating bread, they have eaten bread, you do eat bread. Modal luxuries में क्या होता है? ठीक है, इसमें will, shall, may, might, can, could, must, ought, to, should, would, choose to, be. ठीक है, यानी जो permissions और orders होते हैं different हमारे kinds of sentences हैं, ठीक है, उससे ये belongs कर रहे होते हैं। Next है कि infinitive किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्ट में हम टू लगाते हैं, ठीक है, टू आप जब भी लगाएंगे टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, आप उसको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो इन्फिनेटिव होंगे, ठीक है। इसके साथ हम माइंड में रखना है कि जब आप टू लगाते हो टू के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ कोई एस ई एस या ई डी का एडिशन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू वेट, टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू कम, ठीक है, टू ड्रिंक, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? इन्फिनिटिव्स हैं। उसके बाद पार्टिसिपल यहाँ पे दिए हुए नेक्स्ट, ठीक है, ये भी हमारे वर्ब की कैटेगरी में आता है। पार्टिसिपल कौन सा होता है? पार्टिसिपल बेसिकली जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है, आई एन जी वाली फॉर्म, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा कि यानी वो जो हम प्रेजेंट टेंस में एंड इन आई एन जी, यानी डिफरेंट टाइप्स में आई एन जी में हम एंड करते हैं, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल में आई एन जी हम नहीं करते, बल्कि उसको अभी हमने देखे कि ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। तो एक इसी साथ पार्टिसिपल के साथ एक और भी हमारे पास टर्म यूज होती है, वो जेरंड की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें वो मेंशन नहीं है, लेकिन आपने साथ नोट डाउन करनी है, ठीक है, पार्टिसिपल के साथ ही कि जेरंड जो होती है वो भी हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होती है। लेकिन पार्टिसिपल में और जेरंड में डिफरेंस क्या होता है कि जो पार्टिसिपल होता है वो हमेशा जो है एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, जबकि जो जेरंड होता है वो एज अ नाउन यूज होता है, ठीक है। पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और जेरंड जो है वो एज अ नाउन यूज होता है, ये इन दोनों में क्लासिफिकेशन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव्स। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव इज दैट इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स
qualifies and clarifies a noun. Adjectives describes nouns by adding some information about an object, size, shape, age, color, origin or material. Then किसी भी चीज की, शख्स की, को भी या कामी को बयान करने के लिए या उसकी कोई भी quality, this quality को शो करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं. ठीक है, सिंपली क्या है कि एडजेक्टिव्स जो है इट टेल्स अस अबाउट नाउन. ठीक है, नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपको एग्जांपल शो की गई है, इट इज अ बिग टेबल. ठीक है, अब यहाँ पे बिग क्या है, टेबल का साइज बताया जा रहा है. ठीक है, इट इज अ राउंड टेबल, तो यहाँ पे इसकी शेप बताई जा रही है. यानी अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब इसमें इंटेलिजेंट और जो ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एडवर्ब है. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू चेंज आर मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, अ वर्ब आर एन अदर एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब आप किसे कहते हैं, एडवर्ब वो वर्ब होते हैं. ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब की मीनिंग में या एडजेक्टिव की मीनिंग में या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में मजीद इजाफा कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, सेंटेंस आपको दिया गया है, व्हेन शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली. ठीक है, अब शी हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, अराइव्स जो है ये हमारे पास वर्ब है, अर्ली जो है हमारे पास एडवर्ब है. लेकिन यहाँ पे देखें, ऑलवेज भी हमारे पास एडवर्ब है. तो यहाँ पे आप देखें, ये इस जो अर्ली हमारे पास एडवर्ब है उसको ऑलवेज यानी दूसरा एडवर्ब मोडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से ही ड्राइव्स केयरफुली, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब को मोडिफाई कर रहे हैं ड्राइव्स को. ठीक है, इसी तरह से बाकी एग्जांपल शो की गई है. एडवर्ब जो है वो सिंपली किसे कहते हैं. अब यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इनकी जो काइंड्स है, जैसे एडजेक्टिव अभी आपने पढ़ा है, एडजेक्टिव की काइंड्स है, एडवर्ब की काइंड्स है, तो ये काइंड्स जो है वो आप लोगों ने खुद से सर्च करनी है और उनकी असाइनमेंट बनानी है. ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और इस तरह से एडवर्ब की बाकी जो पॉइंट्स हैं, जैसे आप अभी असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आपने असाइनमेंट जो है वो बनानी है. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन. ये मोस्टली जो है नाउन के साथ ही आते रहेंगे, यहाँ पे सेपरेट दिए हुए. ठीक है, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है. अब देखिए, अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड नाउन फ्रेज. ठीक है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग एन एसे एंड द टॉपिक इज माय बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, अब उसमें लेट्स सपोज आप लिखते हैं, अली इज अ गुड बॉय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज 16 ईयर ओल्ड. ठीक है, अब ये देखिए कि आप जब भी ऐसे राइट करते हैं तो फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें आप नेम मेंशन करते हैं उस नाउन का. ठीक है, फॉर एग्जांपल अली. ठीक है, इसी तरह से कोई भी नेम आपका हो सकता है. ठीक है, उसके बाद आप जब नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करते हैं तो आप उसके लिए अली अली बार बार रिपीट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, ही यूज करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से ही जो क्या होगा वो नाउन की जगह पे, अली की जगह पे जब यूज होगा तो आपके पास प्रोनाउन होगा. इसमें ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रोनाउन्स होते हैं. अब यहाँ पे काइंड्स जो हैं कुछ दी गई है इसकी, पर्सनल प्रोनाउन्स, पोजेसिव प्रोनाउन्स, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, रिलेटिव्स प्रोनाउन्स, इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स. ये आप लोगों ने खुद से रीड आउट कर लेनी है. ठीक है, यहाँ से रीड आउट कर ले या उसके सेपरेट जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो इस पर आपने खुद से सर्च करनी है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट नंबर टॉपिक है हमारे पास प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस आर द वर्ड विच आर यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस. ठीक है, यानी जो दो सेंटेंसेस को आपस में यहाँ पे जो है वो बेसिकली प्रपोजिशन जो है ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जो कि डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज होते हैं. ठीक है, और जब वो उनके साथ यूज होते हैं तो उनके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एंग्री It, angry with and angry at. ठीक है, अब angry word है जिसका मतलब है नाराज होना. ठीक है, गुस्सा होना. अब उसके साथ जब आप it लगा, sorry, at लगाते हैं, ठीक है, angry at, उसका मतलब
क्या बन जाता है, पर गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री विद से गुस्सा होना या से नाराज होना। तो ये जो है ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज होते हैं। आपने अभी भी, मैंने आपको 1-80 प्रपोजिशंस करवाई हैं, उसमें भी आपने क्लियरली पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट में प्रपोजिशन इज यूज टू शो डायरेक्शन, लोकेशन और टाइम, आर टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स आर क्लॉजेस आर सेंटेंसेस, यानी जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स हमारे पास कंजक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, सो, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो है इसकी कैटेगरीज हैं। थ्री मेन कैटेगरीज में यहाँ पे इसको किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये यहाँ से आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज द इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ द ऑथर, ठीक है, यानी जो सडन फीलिंग्स, सडन जॉय को शो करेगा, ठीक है, जो हम ऑलरेडी करते रहे हैं। एक्सक्लेमेशन साइन के बारे में मैंने आपको बताया था, सेंटेंसेस में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किए थे। तो ये बेसिकली एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ही होते हैं जो इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दी गई है, ऑफ दैट्स फील वंडरफुल। अब इसमें देखिए लास्ट एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है, अलास आई एम लॉस्ट इन द wilderness, oh dear, I don't know what to do about this mess. Last में हमारे पास article दिया हुआ है। Articles are words that define a noun, are specific or unspecific. Basically an article is an adjective, like adjectives, articles modify noun. Simply आपने mind में रखना है, यहाँ पर थोड़ा complicated है, तो simple words में मैं आपको बता देती हूँ कि articles जो हैं वो basically हमारे पास थ्री वर्ड्स होते हैं जो कि आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आ, एन और द। और इन तीनों का यूज जो है वो डिफरेंट होता है। आ जो है वो किसी भी सिंगुलर के साथ आप यूज करते हैं, द जो है वो किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए या उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसके साथ द लगाया जाता है, ठीक है। और एन जो है ये किसी भी वॉल साउंड के साथ यूज होते हैं। ये आपने माइंड में रखना है कि सिर्फ वॉल्स जो है जो आप यूज करते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये वर्ड में नहीं रखने की, जिसके भी वर्ड स्टार्टिंग में ए आई यू शुरू होगा तो वो वॉल होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने वॉल साउंड को माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे ओवर, एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इसकी, एन ओवर होते हैं हमेशा, आ ओवर नहीं होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जो वॉइस है, जो साउंड है उसकी, वो ओ प्रोनाउंस होती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स देखिए, सम कॉमन टाइप्स ऑफ नाउंस दैट डोंट टेक एन आर्टिकल्स आर, यानी इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, किसी किस्म का कोई आर्टिकल नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ फॉर एग्जांपल द उर्दू, द इंग्लिश नहीं होता या द पंजाबी नहीं होगा, बल्कि सिंपल उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है, या और भी कोई भी लैंग्वेज, स्पेनिश, ठीक है, तुर्किश, या इस तरह से डिफरेंट जो चाइनीज होती है, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के साथ आ एंड या द नहीं यूज होता। उसके बाद नेशनैलिटीज हैं, ठीक है, यानी नेशनैलिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पीपल, ठीक है, पाकिस्तानी, तो उनके साथ भी द नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, अनलेस यू आर रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द नाउन, द स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, नेम ऑफ अकेडेमिक सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो इनके साथ भी आप द नहीं यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको फर्दर जो है डिटेल में इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम करवाए जाएंगे। आपने तब तक इसकी असाइनमेंट बनानी है, जितना भी आज आपको करवाया गया है, ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने नोट डाउन करने हैं, और सबकी काइंड्स भी आपके पास विद 2-3 एग्जाम्पल्स मैंशन होने चाहिए, ठीक है। इसको थॉरली रीड आउट करने हैं आप लोगों ने, और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।